Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. Welcome back to our new video. Class हम daily की तरह अब फिर हम काम start करेंगे अपना, जैसे हम daily उर्दू, maths और English का काम करते थे. तो सबसे पहले हम English से start करेंगे. आपने English की book open करनी है. So today we write new letter, letter E. तो आज हम क्या write करेंगे? Letter E. The letter name is E and the sound is E. E A egg. E A egg. तो ये कौन सा लेटर है? E. आज हम क्या राइट करेंगे? लेटर E. और इसकी साउंड क्या है हमारे पास? A. E A egg. E A egg. This is the egg. मम्मा हमें ब्रेकफास्ट में बना के देती है ना egg. So today we write letter E. अब आप देखेंगे कि हमने लेटर E लिखना कैसे है. देखिए आपको ये डॉट्स नजर, आपने आप सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल रखनी है, ठीक है? स्लोली डाउन लेकर आना, इन डॉट्स को ज्वाइन करना. नाउ पिक अप योर पेंसिल, यहाँ से आपने इस लाइन लगा देनी है, ठीक है? नाउ अगेन पिक अप योर पेंसिल, यहाँ से आपने फिर दोबारा से स्लीपी लाइन लगा दी और फिर आपने देखें थ्री स्लीपी लाइंस लगा देनी है, ठीक है? तो ये क्या बन गया हमारे पास? ई. बहुत ईजी है ये लेटर राइट करना. आपने देखे वन बनाया, यहाँ से आपने एक वन स्लीपी लाइन लगा दी, फिर टू स्लीपी लाइन एंड थ्री स्लीपी लाइन. तो सो दिस इज द लेटर ई. इट्स वेरी इजी टू राइट. देखिए आपने वन बना, जैसे आपने वन लिखा था, ठीक है? वन बनाना तो आपको आता है, तो आपने पेंसिल उठाई और स्लीपी लाइन लगा दी. तो ये क्या बन गया हमारे पास? ई. दिस इज द लेटर ई. टुडे वी राइट लेटर ई. अब नीचे आ जाए, डॉट्स पे आ जाए. अब आप नीचे लाइंस पे आ जाएंगे. देखें आपको फोर लाइंस नज़र आ रही हैं, तो आपने क्या करना क्या है कि स्काई लाइन से स्टार्ट करना है, मीन्स लाइन नंबर वन से स्टार्ट करना है. देखें यहाँ से आपने वन बनाया, डाउन वन टू थ्री लाइन में आपने वन राइट कर लिया, ठीक है? फिर लाइन नंबर वन के ऊपर आपने स्लीपी लाइन लगानी है. नाउ अगेन पिक अप योर पेंसिल, दूसरी लाइन भी दूसरी लाइन के ऊपर, और जो थर्ड लाइन है वो भी आपने ये तीसरी लाइन के ऊपर लगानी है, ठीक है? लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए आपने. ये बहुत इजी है, आपने बिल्कुल ही लाइन के साथ लगा देना है वन बना के. देखें इस लाइन के ऊपर स्लीपी लाइन, देन अगेन स्लीपी लाइन, फिर स्लीपी लाइन. सो दिस इज द लेटर ई. व्हिच लेटर इज दिस? लेटर ई. एंड द साउंड इज ए. अब नीचे देखें जहाँ पे आपको ए वन डॉट नज़र आ रहा है, जहाँ पे आपने देखे वन स्टार्ट की, यहाँ से स्लोली डाउन किया, लाइन नंबर थ्री तक टच करके आपने पेंसिल उठा लेनी है, ठीक है? अब यहाँ पे आपने यहाँ पे स्लीपी लाइन लगा दी, वन टू थ्री. सो दिस इज़ द लेटर ई. सो टुडे वी राइट लेटर ई. तो हम क्या राइट कर रहे हैं? लेटर ई. और किसी बच्चे ने ना ऐसे करके लाइन नंबर फोर तक ऐसे करके नहीं लिख देना, ठीक है? ऐसे ये फिर ऐसे करके स्लीपी लाइन से नहीं लगानी, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका काम, ठीक है? अब हम करेंगे रीडिंग ई की. अब देखते हैं उसमें हम क्या लेटर पढ़ेंगे. सो दिस इज द लेटर ई. तो अब हम रीडिंग करेंगे. ई ए आई. वाओ, दिस इज द पिक्चर ऑफ आई. हाउ मेनी आईज डू यू हैव? Everyone have two eyes and two ears. Ear की जो होते हैं, इस पेज पे पिक्चर नहीं बनी, लेकिन ई ए ईयर भी होता है. और ईयर हमारे पास कितने? टू ईयर्स हैं, जैसे हमारे पास टू आईज हैं, ठीक है? तो ई ए आई, ई ए एग, ई ए एलिफेंट. फिर से मेरे साथ रीड करें. ई ए आई, ई ए एग, ई ए एलिफेंट. अब हम उर्दू का काम स्टार्ट करेंगे. तो उर्दू में हम पढ़ेंगे, आज लिखेंगे टे. कौन सा हर्फ लिखेंगे उर्दू में हम? टे. तो हम किसका खानदान पढ़ रहे थे? कश्ती का खानदान. इससे पहले भी आपने पढ़ा था, देखें ऐसी ही शेप के कुछ अल्फाज पढ़े थे, जिसके नीचे बे के नीचे एक नुक्ता था, पे के नीचे तीन नुक्ते थे, फिर पे के बाद हमने पढ़ा था ते, और ते के ऊपर थे दो नुक्ते. आज ते के बाद आज हम लिखेंगे और पढ़ेंगे टे. टे के ऊपर नुक्ते नहीं डालेंगे, टे के ऊपर होती है तोय. तो ये क्या है? टे. वही शेप है, लेकिन इसके ऊपर आपने आज तोय डाल देनी है. तो ये क्या है? टे. टेटा टोपी, टेटा टोपी. ये क्या है? टेटा टोपी. अब देखें कि हम लिखेंगे कैसे. आपने पहले भी लिखा था, लिखना तो आपको आ गया होगा, लेकिन फिर से हम लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं. बिल्कुल वही शेप है, लेकिन आपने इसके ऊपर छोटी सी तोय डाल देनी है. ये क्या बन जाएगा? टे.
टेटा टोपी। टे से और भी बहुत सारे अल्फाज बनते हैं, तो क्या राइट कर रहे हैं हम? टे। ठीक है, इसके बाद एक हरूफ रह गया, फिर हमारा कश्ती का खानदान ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नए ख़ानदान के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे आप लाइन पे आ जाए, आपने बिल्कुल यहाँ से लाइन के साथ इसको मिला के यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर देना है, तो ये क्या बन गया हमारे पास? टे। अब देखिए जहाँ पे आपको एक डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट से आपने स्टार्ट करना है, स्लोली थोड़ा सा टेढ़ा सा लेकर आना है, फिर लाइन के साथ आपने इसको मैच कर दिया यहाँ से ऊपर, और आपने यहाँ पे छोटा सा देखे वन बना के इसको पीछे लेकर जाएंगे स्लोली, और फिर ऐसे तोए बना देनी है, तो ये क्या बन जाएगा? टे। तो आज हमने क्या पढ़ा है? टे। अब हम उर्दू के कायदा की रीडिंग भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम रीडिंग करते हैं अब टे की। तो ये क्या है? टे, टेटा टोपी, टेटा टेलीफोन, टेटा टेलीफोन, टेटा टमाटर। फिर से टेटा टोपी, टेटा टेलीफोन, टेटा टमाटर। अब हम काम करेंगे मैथ्स का। मैथ्स में आज हम पढ़ेंगे न्यू नंबर। तो नंबर क्या है? नंबर नेम क्या है? फाइव। क्या कौन सा नंबर आज हम पढ़ने जा रहे हैं? नंबर फाइव। ओके चिल्ड्रन, टेल मी हाउ मेनी फिंगर्स इन योर वन हैंड। कितने फिंगर्स होती है वन हैंड में? अपने फिंगर्स को काउंट करें। फाइव। कितने फिंगर्स होती हैं? फाइव। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें मेरे पास है टैबलेट्स। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कि कितनी टैबलेट्स हमारे पास फिल हैं और कितनी हमारे पास खाली हैं, जिनके अंदर कोई टैबलेट नहीं है। तो आप मेरे साथ काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। कितनी टैबलेट्स हमारे पास एम्प्टी हैं? फाइव। तो आज हम नंबर कौन सा राइट कर रहे हैं? फाइव। अब देखिए कि कितनी टैबलेट्स हमारे पास फिल हैं, इनको काउंट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। वाओ, ये भी हमारे पास फाइव है। फाइव, सो हमारे पास फाइव टैबलेट्स एम्प्टी है और फाइव जो है फिल है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमने नंबर फाइव लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने यहाँ पे पेंसिल रखनी है। ठीक है, यहाँ से आपने स्लिपी लाइन लगा दी और यहाँ से स्लोली स्लोली डाउन लेकर आए, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेकर के इसको यहाँ से राउंड में स्लोली डाउन किया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? नंबर फाइव। सो टुडे वी राइट नंबर फाइव। सो प्यारे बच्चों, आज तो हमने पीकॉक्स की काउंटिंग की नहीं, तो अब पीकॉक्स की काउंटिंग भी कर लेते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव। कितने पीकॉक्स हैं यहाँ पे? फाइव। आपने बहुत प्यारा करके फाइव लिखना है। देखिए स्लीपी लाइन लगा दे, यहाँ से नीचे लेकर आए, इधर से थोड़ा सा ऊपर लेकर गए राउंड में, स्लोली स्लोली इसको डाउन किया, अब यहाँ से थोड़ा सा अप कर दिया, इसकी हमने बिग सी टमी बना दी, तो ये क्या बन गया? नंबर फाइव। टुडे वी राइट नंबर फाइव। अब नीचे आ जाएं, ब्लॉक्स पे आ जाएं। अब यहाँ पे आप कैसे राइट करेंगे? डॉट्स के ऊपर तो आप इजीली लिख लेंगे, डॉट्स को आपने स्लोली स्लोली ज्वाइन करना होता है। अब जहाँ पे एक डॉट है, यहाँ पे आप कैसे लिखेंगे? देखिए आपने छोटी सी स्लिपी लाइन लगा दी, ठीक है, यहाँ से फिर आपने इसको नीचे लेकर वन की तरह बनाया, फिर यहाँ से थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, इसको राउंड किया और आपने इसकी बना दी टमी। सो टुडे वी राइट न्यू नंबर नंबर फाइव। तो आपके घर में कोई भी किस तरह का ऑब्जेक्ट हो, आप उसको काउंट करके मुझे छोटी सी वीडियो बना के भेज सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का लेसन हमारा फिनिश हो गया। आप मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, और पिछली वीडियो का अगर आपको लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।